हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी। वेलकम दिवान से एंड टैरो क्वीन खुशी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मई मंथ की रीडिंग, जो है मंथली राशि जो होगी दिस मंथ क्या होगा, कैसे राशि सब, जैसे कि मैं जनरल रीडिंग भी करूंगी एंड जैसे कि लव रिगार्डिंग भी रीडिंग्स होगी इस बार। एंड काफी टाइम से मेरी वीडियोस ऐसे ही आती जा रही है, जैसे कि जस्ट रीडिंग ही मंथली रीडिंग हो पा रही है, ना साप्ताहिक राशिफल, ना ही कुछ अदर टिप्स मैं दे पा रही हूँ, क्योंकि काम ज्यादा बढ़ चुका है और थोड़े मेरे घर के सामने काम ज्यादा होने की वजह से कई बार भी वीडियो जो है मेरी थोड़े से बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा उन्होंने दे दिया, क्योंकि ठोक पिट का काम स्टार्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा कंडीशन इतनी खराब है कि उस वजह से उन्होंने थोड़ा माइक का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। पर दिस टाइम ऐसे नहीं होगा, मैं काफी केयरफुली दिस टाइम वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी वीडियोस बनानी है पर एक्चुअली घर के सामने काम स्टार्ट होने की वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ, एंड बहुत ज्यादा लाउडली वॉल्यूम होने की वजह से मतलब वीडियो निकाल ही नहीं पा रही हूँ, तो काफी परेशानी हो रही है इस वजह से। तो मैं सबसे माफी मांगती हूँ इस बारे में, क्योंकि नेक्स्ट टाइम की जो वीडियोस थी मेरी अप्रैल मंथ की वीडियो जो थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा होने की वजह से मेरी वॉइस जो है सबको सुनाई नहीं आ रही थी, सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो इसके लिए सॉरी फिर से। एंड जैसे कि मंथली रीडिंग्स किसी को करनी है, या फिर जैसे कि कंटिन्यूसली आपको रीडिंग चाहिए, साल भर की रीडिंग चाहिए, एंड आपको एस्ट्रोलॉजी की भी रीडिंग चाहिए, तो वो भी मिल जाएंगी। एंड जैसे कि टेरो कार्ड रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट है, फिलहाल डिस्काउंट स्टार्ट है थोड़ा सा मई मंथ एंड अप्रैल मंथ होने की वजह से, एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलिंग थेरेपिस्ट एंड एंजल कार्ड रीडिंग एंड बहुत सारी जो रेमेडीज है जो मैं बताती हूँ, तो उनकी भी क्लासेस स्टार्ट है, तो आप मुझे पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारी मंथली रीडिंग, जो मई मंथ की रीडिंग्स होगी करियर रीडिंग एंड जॉब रिगार्डिंग। एंड जैसे कि फिलहाल फाइनेंस ज्यादा करके जो प्रॉब्लम स्टार्ट है, तो फाइनेंस के बारे में बात होगी एंड लव कम्युनिकेशन की बात होगी। तो चलिए जानते हैं दिस मंथ आपका कैसा रहेगा। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहली राशि जो है मेष राशि, एरीज राशि। एरीज राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा लव कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल एंड करियर के हिसाब से। तो जैसे कि प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत उठानी पड़ रही है, एक हार्डनेस नेचर, एक जैसे कि आप में बहुत ज्यादा होता है ना कि एक रुखले नेचर आ चुका है, आपको किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं आ रहा है, या फिर बहुत कम नॉर्मली शांत होकर धीरे धीरे से आप काम में अपना स्टार्टअप करते हुए मुझे जहां तक नजर आते हुए दिखाई दे रहे। एंड प्रिंस ऑफ कप्स की बात करें तो जैसे दोनों अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो लव कम्युनिकेशन बनते कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से वो प्यार चाहते हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो शायद जो है आपका पार्टनर भी है जो आपके लिए काफी एफर्ट भी डाल रहा है बात करने के, कम्युनिकेशन के बारे में भी देख रहा है, पर कहीं ना कहीं मुझे शायद लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन होते होते रुक जाती है या फिर नहीं होती है, क्योंकि जहां तक ये वॉन्ड्स के कार्ड्स, क्वीन के कार्ड्स ज्यादा करके मुझे काम के लिए नजर आते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड्स आ चुका है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जैसे कि प्रिंस ऑफ कप्स, तो ये नजर आते हुए दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम में ज्यादा करके आपका फोकस नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, एंड अपने काम को आप बहुत आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हिडन फीलिंग से प्रिंस ऑफ कप की कंडीशन जहाँ पे दिखाई दे रही है फिर से, कि आपकी कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप इतने काम में भी, आप जो कुछ भी काम करे, जो कुछ भी वर्क करे, उसमें भी अफ्रेंडनेस आपको डालनी पड़ रही है, बहुत सारे काम को लेके आपको आगे लेके बढ़ना भी है, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई ना कोई आपको प्यार करने वाला, आपको एक हेल्प करने वाला, आपको समझने वाला, आपके नेचर को समझने वाला पर्सन आपको मिले, एंड आपको आपका पार्टनर जो है मुझे जहां तक लगता है कि समझता नहीं है, एक्चुअली शायद आपके मुताबिक या फिर जिनके लव कम्युनिकेशन नहीं है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आपके मुताबिक आप जैसे डिपेंड है, आपकी जैसी क्वालिटी है, जैसे कि मेष राशि वालों की खुद की क्वालिटीज होती हैं, तो जैसे कि आपके क्वालिटी के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपको आपका पार्टनर मिले, तो आपकी कहीं ना कहीं हिडन फीलिंग मुझे जहां तक नजर आती हुई दिखाई दे रही है। फिर से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है, तो जैसे कि प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कहता है कि आप
सीधी तरीके से बात करते हैं, आपको घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं आता है, या दिसमत ऐसा रहेगा कि आप सबसे स्प्रेड बात करेंगे, अपने काम पे फोकस देंगे, आपके काम पे फोकस रहेगा, पर हिडन फीलिंग कहीं ना कहीं एक लव फीलिंग जो है आपकी, लव कम्युनिकेशन की जो है, तो जिनकी कम्युनिकेशन नहीं है फिलहाल के हिसाब से, तो उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ दिस टाइम ऐसा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। एंड जैसे कि द चैरिट का कार्ड है, तो चैरिट का कार्ड ये है कि आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आपकी कम्युनिकेशन होगी। एंड जैसे कि जिनके लड़ाई झगड़े हो चुके हैं या फिर बात नहीं कर रहे होंगे, ऐसे पार्टनर जो होंगे, तो उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ दिस टाइम मंथ, इस मंथ ऐसा है मई मंथ की कम्युनिकेशन करेंगे, अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, अच्छी सी कम्युनिकेशन होगी एंड काफी अच्छे से अपने काम को लेके, अपनी एक दूसरे की कम्युनिकेशन को लेके आगे बढ़ते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं कहूँ तो न्यू जॉब की कंडीशन तो मुझे नहीं नजर आती दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं जो जैसे कि फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल, मुझे जहां तक लगता है काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफी स्ट्रगल वाली कम्युनिकेशन मुझे न्यू जॉब के लिए या फिर न्यू वर्क करते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल मैं कहूंगी कि दिस टाइम नहीं लगता है कि आपका कुछ न्यू स्टार्टअप हो, न्यू स्टार्टअप करने के कंडीशन में तो नहीं कह सकती क्योंकि फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड आ चुका है। काफी आपको ध्यान देना पड़ेगा, सराउंडिंग एनर्जी पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि फिर से फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ चुका है। आप किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं तो अगर मैं कहूंगी कि किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, आपके दिल की बात करते हैं तो ना कीजिए। एंड हिडन फीलिंग में यही दिखाई दे रही है कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर आपके साथ कोई बात करने के लिए आता है तो आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़ा सा गुस्सा मुझे दिस टाइम ऐसे दिखाई दे रहा है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन खुद ज्यादा रहेगा क्योंकि वर्क है, वर्क ऐसे नहीं कि आपका वर्क नहीं है, वर्क दिन भर वर्क है, पर उस वजह से आपका बोलते ना कि बहुत ज्यादा परेशानी होते जा रही है, बहुत ज्यादा लोड होते जा रहा है काम का। काफी मुझे लगता है दिस टाइम दिस मंथ जो मई मंथ जो है मेष राशि वालों के लिए काफी पॉजिटिव और काम से भरा हुआ करेगा, बहुत सारे जो पेंडिंग काम जो होते हैं पेंडिंग काम को पूरा करेंगे। एंड जैसे कि खुद के लिए टाइम भी अगर मैं कहूँ तो क्वीन ऑफ प्रिंसेस का कार्ड आ चुका है, तो ये कहते हैं कि खुद के लिए टाइम भी निकालेंगे। एंड हिडन फीलिंग पता नहीं क्यों मेष राशि वालों के ऐसे नजर आते हुए दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपकी सराउंडिंग एनर्जी, जैसे कि घर वालों से या फिर फैमिली वालों से, जैसे कि फोर ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये कहता है कि आपको किसी से भी सराउंडिंग एनर्जी में या फिर आपके फैमिली वालों से बात नहीं करना पसंद आ रहा है, या फिर ऐसे मुझे जहां तक लगातार दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों के लिए कि आपके सराउंडिंग एनर्जी में आप रह रहे हैं पर एक्चुअली आप अपने अनुसार ही काम करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस जहां तक अगर मैं देखा जाए तो कम्युनिकेशन ऐसी दिखाई दे रही है कि मेष राशि वालों की अपने काम से ही रहना है। एंड जैसे कि खुद के लिए लव चाहते हैं पर खुद के लव पार्टनर चाहते हैं, खुद से सेल्फ लव भी कर सकते हैं कि सेल्फ लव भी खुद के लिए मतलब खुद को देखना, क्योंकि एंजॉयमेंट तो खुद के लिए भी ध्यान देना ही आपकी कोशिश में जाता है क्योंकि मेष राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। जैसे कि आप अपने लव कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा तेजी से जैसे कि एक लव कम्युनिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे मेष राशि वाले दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने जो कार्ड्स जो है एक प्रिंस ऑफ वांड्स का कार्ड्स दिखाई दे रहा है, तो प्रिंस ऑफ वांड्स का कार्ड्स होता है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द, अगर जिनके लाइफ में पार्टनर नहीं आ चुके हैं तो बहुत जल्द आने की कोशिश मुझे जहां तक नजर आती हुई दिखाई दे रही। अगर मैं फैमिली के हिसाब से कहूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमारे फैमिली के हिसाब से बताइए, अगर मैं फैमिली हिडन फीलिंग देखा जाए तो मुझे दिस टाइम दिस मंथ तो नहीं नजर आती हुई दिखाई दे रहा कि फैमिली लव कम्युनिकेशन आपकी रहेंगी, फैमिली में लव रहेगा। बट हाँ ये कह सकते हैं पति पत्नी जो है, जो नॉर्मली फैमिली मेंबर्स जो काफी अच्छे रह सकते हैं, इनके दोनों में कहीं ना कहीं लव कम्युनिकेशन आ सकती है क्योंकि प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर अपोजिट भी देखा जाए तो प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे भी नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि कंडीशन दिस मंथ तो ऐसी है कि आप थोड़े से स्ट्रिक्टली बात करेंगे तो आपके घर के जो हस्बैंड है आपको समझा लेंगे, फिर से अगर आप उनको जैसे कि समझते हैं तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही लगातार कम्युनिकेशन मुझे दिस मंथ नजर आते हुए दिखाई दे रही है, काफी अच्छी, अगर बुरी नहीं कह सकते कि अगर एक थोड़ा नाराज हो जाता तो एक संभाल लेता है, तो दूसरा नाराज हो जाता तो एक संभाल लेता है, तो ये वाली अपोजिट डायरेक्शन आपकी चलती रहेंगी। एंड दोनों एक दूसरे को समझाते हुए मुझे काफी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एंड मैं कह सकती जैसे कि द चैरिट का कार्ड आ चुका है, तो मुझे जहां तक लगता है कि आप दिस टाइम काफी समझदार, काफी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स
एंड काफी अच्छे अपने सोल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पे भी हेल्थ इश्यू नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, हेल्थ इश्यू नहीं रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। एंड जैसे कि कंडीशन नजर आते हुए दिखाई दे रहे कि आप जैसे कि आपके कहीं ना कहीं प्रमोशन होते हुए जो नजर आते हुए दिखाई दे रहे, तो हमें कह सकते हैं कि प्रमोशन हो सकते हैं। मनी इनकम सब थोड़ी बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही, ज्यादा नहीं थोड़ी बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही। इस बार मनी इनकम सोर्स आपकी सोसो रहेंगे, अच्छे खासे रहेंगे, इतनी भी बैड एनर्जी नहीं दिखाई दे रही फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। कहीं रुका हुआ पैसा अगर होगा तो रुका हुआ पैसा आने की कंडीशन मुझे दिस टाइम नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड जैसे कि अगर बात करें दिस मंथ तो काफी अच्छा और पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि हेल्थ इश्यू अच्छी है, लव कम्युनिकेशन भी अच्छी है। जिनके लाइफ में लव कम्युनिकेशन नहीं है तो उनके लाइफ में लव कम्युनिकेशन काफी अच्छी रहेंगी। प्रिंस ऑफ वांड्स का कार्ड आपके लाइफ में प्यार आते हुए दिखाई दे रहा है। द हाई प्रिंसेस, तो जैसे कि एक आपकी सोल, आप बहुत टाइम से आपकी सोल को ढूंढ रहे हो, तो आपकी सोल एनर्जी मुझे दिस टाइम नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप गॉड से प्रार्थना करते हैं, अगर आप गॉड की हेल्प मांगते हैं तो आपको डिसीजन लेने में काफी अच्छा फायदेमंद होगा, क्योंकि नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड आ चुका है। तो आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे दिस टाइम। ऐसा रहेगा कि आपके कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपको समझते होंगे, उनसे आप अगर कम्युनिकेशन करते हैं, जो पार्टनर आपके लाइफ में आया है, तो शायद आपको काफी अच्छे तरीके से गाइडेंस करेंगे दिस मंथ। एंड आप अपनी कम्युनिकेशन एक अच्छे से फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके करीब है। बट एक्चुअली मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों से अगर कम्युनिकेशन करते तो कहीं ना कहीं जैसे फाइव वॉन्ड्स का कार्ड्स नजर जो आता है, तो कहीं ना कहीं आप में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े वाले भी थोड़े से माहौल दिखाई देते हैं। तो काफी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना है, बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होना है। एंड जैसे कि आप एक दो से मिनिमम बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। सो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि दिस मंथ कैसा रहा। एंड मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। मैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट पढ़ती रहती हूँ एंड मैं ऐसे ही मिलती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।